सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने सेम सेक्स मैरिज अर्थात समलैंगिक विवाह से जुड़ी सारी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर ली हैं। ये वो याचिकाएं थीं जो विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन थीं और उन पर सुनवाई चल रही थी। और ये दूसरा समाचार भी उसी दिन का है। अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल ने जस्टिस चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इससे पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के किसी पदासीन जज को इस तरह के पुरस्कार दिए जाते नहीं सुना होगा, वो भी एक ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जो इन दिनों भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। समलैंगिक विवाहों का विषय सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करना हो या चीफ जस्टिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पुरस्कृत होना, वैसे तो इन दोनों ही समाचारों में कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच जो छिपा हुआ गठबंधन है उसे समझना देश के लिए आवश्यक है। भारत में कोई समलैंगिक जोड़ा साथ में रहना चाहे तो रह सकता है। घर के अंदर वो क्या करते हैं इससे किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके संबंध को विवाह की परिभाषा में लाना एक अत्यंत संवेदनशील सामाजिक विषय है। समाज और परिवार के ढांचे पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे एक तरह की अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। सामान्य रूप से समाजों में कोई भी बदलाव व्यापक चर्चा और समय के साथ ही होते हैं, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इन याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करके एक तरह से प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की पहल की है, उससे कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। क्या वास्तव में समलैंगिक विवाह इतना जरूरी विषय है कि इस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में? कुछ पश्चिमी देशों ने समलैंगिक विवाह की अनुमति दे भी रखी है। उन देशों के लिए ये सहज है क्योंकि वहां के समाजों में विवाह का आधार अलग है। भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है। विवाह का एक उद्देश्य संतानोत्पत्ति होता है, जिसके आधार पर परिवार और समाज चलते हैं। क्या ये आवश्यक है कि भारत पश्चिमी देशों में हो रही हर बात की नकल करे? ये बदलाव भी सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि न्यायपालिका द्वारा डंडे के जोर पर थोपे जाएं? क्या एक लोकतांत्रिक पारंपरिक समाज इस तानाशाही व्यवहार को कभी स्वीकार कर सकता है? भारतीय परिवार लंबे समय से वामपंथी शक्तियों के निशाने पर है। वो जानते हैं कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में अशक्त करने के लिए परिवारों को तोड़ना आवश्यक है। इसी अभियान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कुछ विचित्र बदलाव एक के बाद एक थोपे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाहितर संबंधों और व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। अब यदि कोई महिला पति के अतिरिक्त किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो उसकी अनुमति है। महिलाओं को युद्ध के मैदान में भेजने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर धौंस जमाई। वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता देने की घोषणा न्यायालय के माध्यम से हो चुकी है। लिव इन रिलेशनशिप को वैधानिक मान्यता मिल चुकी है, जिसके बाद से इससे जुड़े अपराधों की बाढ़ आ गई है। गर्भपात के नियमों में बदलाव कर दिया गया। अब अविवाहित लड़कियों को भी अबॉर्शन की छूट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कोई महिला अब पति की सहमति बिना ही गर्भपात करा सकती है। इसी तरह प्रयास हो रहे हैं कि कोई महिला चाहे तो अपने पति पर भी बलात्कार का आरोप लगा सके, इसकी सुनवाई चल रही है। ध्यान देने वाली बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये सारे बदलाव पिछले 4-5 वर्षों में थोपे गए हैं। समाज पर इनके दुष्परिणाम दिखाई देने आरंभ भी हो गए हैं। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि भारतीय न्यायपालिका यौन स्वच्छंदता को बढ़ावा दे रही है। एक ओर परिवार तोड़ने के प्रयास हैं, तो दूसरी ओर खुलकर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसके परिणाम स्वरूप अगली पीढ़ी कैसी तैयार होगी, कैसा समाज और कैसा राष्ट्र बनेगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। विदेशों से पढ़कर आने वाले जज अपने पश्चिमी एजेंडे को बलपूर्वक लागू करने में जुटे हैं। इनमें से कई निर्णयों के पीछे जस्टिस चंद्रचूड़ का हाथ रहा है, जो स्वयं हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं। अपने निर्णयों में वो खुलेआम पश्चिमी मार्क्सवादियों का कथन कोट करते हैं, जो निर्णय भारत के पारंपरिक समाज पर लागू होने हैं उनमें जनता द्वारा चुनी सरकार की सहमति असहमति की उन्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं होती। ये एक तरह की तानाशाही है जिसके आगे भारत की सरकार और समाज लाचार है। पानी अब सिर के ऊपर जा चुका है। सरकारों का काम केवल सड़क और पुल बनाना नहीं है। यदि न्यायपालिका के माध्यम से वामपंथ का वायरस समाज को संक्रमित कर रहा है तो उसे रोकना भी सरकार का ही उत्तरदायित्व है। न्यायपालिका के सम्मान और अवमानना के भय से चुप रहने के दिन अब गए। सरकार को न्यायपालिका को उसकी लक्ष्मण रेखा याद दिलानी होगी और समाज को इसमें उसका साथ देना होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।